हेलो गाइस, मेरा नाम है समीर। आप लोग देख रहे हो एंड्रॉइड गेट। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटोरोला के G30 और G10 के बारे में, जो इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। और इन फ़ोनों की प्राइसिंग आपको जो है 10,000 और 12,000 के पास की देखने को मिल जाती है। G10 की जो है आपको 10,000 की देखने को मिलती है, और G30 की प्राइसिंग आपको जो है 12,000 के पास देखने को मिल जाती है। क्या ये स्मार्टफोन आपको बाय करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएं आपको जो है मोटो G30 जो है सेम वही स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जो अभी मोटो G9 पावर देखने को मिल जाता है। बस उसके अंदर आपको डिस्प्ले में चेंज ये कर दिए, G9 Pro आपको जो है 60Hz की डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता था, जो IPS LCD डिस्प्ले फुल HD प्लस डिस्प्ले थी, और उसी के अंदर जो है चेंज कर दिए हैं मोटोरोला ने। G30 के अंदर आपको जो है मोटोरोला की तरफ से 90Hz की रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो IPS LCD डिस्प्ले है, और 6.5 इंच की डिस्प्ले है, और जिसके अंदर आपको 720 का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जो HD प्लस डिस्प्ले कहलाती है। प्रोसेसर में आपको इस स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 662 देखने को मिल जाता है, जो नॉर्मल प्रोसेसर रहेगा। और ये प्रोसेसर बहुत टाइम से हम लोग मोटोरोला के स्मार्टफोनों के अंदर देख रहे हैं, और अब मोटोरोला भी थक जाना चाहिए था इस प्रोसेसर के साथ। और कम से कम 700 सीरीज़ का प्रोसेसर जो है प्रोवाइड कर देता, चाहे इस फ़ोन की जो है 13,000 या 14,000 प्राइसिंग रख देता, मगर 720 प्रोसेसर प्रोवाइड कर देता, तो थोड़ा अच्छा लगता है ये स्मार्टफोन के मोटोरोला ने कुछ चेंजेस किए अपने स्मार्टफोनों के अंदर। अब बात कर रहे हैं इस फ़ोन के जो है UI और एक्सपीरियंस की, तो इस फ़ोन के अंदर जो है एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो क्लीन स्टॉक जो है स्क्रीन के साथ देखने को मिल जाता है। ये मोटोरोला की खुद की स्क्रीन है, मगर ये क्लीन UI जैसी स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, स्टॉक एंड्रॉयड जैसा आपको UI देखने को मिलता है मोटोरोला के स्मार्टफोनों के अंदर। और इसके अंदर आपको मोटोरोला की तरफ से जो है मोटोरोला जेस्चर ऐप भी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आप काफ़ी सारे जो है चेंजेस करके और जो है कुछ सेटिंग को इनेबल करके जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस स्मार्टफोन को। और एक और चीज़ जो दूसरे स्टॉक एंड्रॉयड स्मार्टफोनों से आपको जो है नहीं देखने को मिलती है, जैसे आप जो है स्टॉक एंड्रॉयड का जो वर्जन होता है, तो अगर पिक्सल स्मार्टफोन आप बाय करते हैंगे क्या देखते हैंगे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर आप जो है आइकन चेंज कर सकते हैं, और शटर बार के जो है आइकन चेंज कर सकते हैं, और ऐप के जो साइज़ होता है उसको चेंज कर सकते हैं, मगर आपको जो है दूसरे स्टॉक एंड्रॉयड स्मार्टफोनों के अंदर देखने को नहीं मिलता है, मगर मोटोरोला ये फीचर आपको प्रोवाइड करता है। और इस स्मार्टफोनों के अंदर मोटोरोला ने अभी न्यू फीचर एक और प्रोवाइड किया है, जिससे आप जो है स्क्रीन में जो है जो स्प्लिट स्क्रीन आपको देखने को फीचर देखने को मिलता था, उसमें मोटोरोला ने ये चेंजेस किए। जैसे आप YouTube देख लेंगे और हाफ स्क्रीन में आप जो है डिस्प्ले को कट करते हैंगे, तो आप जो है कोई दूसरी ऐप को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और आप जो है उसको काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी मिनिमाइज नहीं करना ऐप को, और कोई टाइप नहीं करना, आपको सिर्फ स्क्रीन को जो है हाफ कट करना है फिंगर से, और आप जो है किसी दूसरी ऐप को भी ओपन कर सकते हैं, और पहली वाली ऐप भी जो है आपके चलती रहेगी, ये कह लिए मतलब वर्क में रहेगी, और आप जो है दोनों ऐप को जो है साइमेंटली वन टाइम में ही जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इस फ़ोन के स्टोरेज और रैम की बात करें, तो इस फ़ोन के अंदर जो है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। रैम जो है इस प्राइस रेंज में परफेक्ट है कि 4GB रैम जो है ओके करे जा सकती है इस प्राइस रेंज के अंदर, मगर इसके स्टोरेज जो है अब ओके नहीं किया जा सकता है। 2021 के अंदर जो है 4GB रैम और 128GB का स्टोरेज तो कम से कम ओप्पो मोटोरोला वालों को जो है प्रोवाइड करने चाहिए था इस स्मार्टफोन के अंदर। देखा जाए तो मोटोरोला ने कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं इस स्मार्टफोन के अंदर, बस जो है डिस्प्ले जो है चेंज कर दिएगी, 60Hz से 90Hz कर दिएगी, बस इतना ही डिफरेंट है इस स्मार्टफोन के अंदर। बाकी NFC हो सकता हो देखने को मिल जाता है, जो है मोटोरोला के स्मार्टफोनों के अंदर हम लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है। और क्लीन UI एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर मोटोरोला जैसे हम लोगों को प्रोवाइड करता है, दूसरे लैगी स्किनी और बगी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी तरीके ये नहीं देखने को मिलता है। मगर मोटोरोला का एक और प्रॉब्लम है कि जो इनके अपडेट हैंगे काफ़ी स्लो आते हैंगे, और सिक्योरिटी पैच जो है काफ़ी टाइम तक के जो है इनके गायब रहते हैं इनके स्मार्टफोनों से, तो मोटोरोला का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर काफ़ी वर्क की ज़रूरत है।
मगर सॉफ्टवेयर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है कि मोटोरोला की तरफ से आपको काफ़ी क्लीन यूआई देखने को मिलता है मोटोरोला के स्मार्टफोनों के अंदर। अब कैमरों की बात करें तो इस फ़ोन के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस देखने को मिलता है, जो है अपग्रेड हैगा पिछली बार के प्रीडेसर से इस स्मार्टफोन के अंदर। उसके अंदर 48 था, इसके अंदर 64 रहेगा। मगर जो है मेगा पिक्सल जो है ज़्यादा मैटर नहीं करतेंगे, इमेज क्वालिटी मैटर करती हैगी। और मोटोरोला के स्मार्टफोनों के अंदर नॉर्मल इमेज क्वालिटी हम लोगों को प्रोवाइड की जाती हैगी, बस ओके ही होती हैगी। हम लोग ये कह सकते हैंगे कि हाँ ठीक है, काम चल गया है, पिक्चर आ गई हैगी, वर्क हो गया जो कैमरे की ज़रूरत थी। मगर जो है काफ़ी अच्छी, काफ़ी ग्रेट कह दिए जाए ऐसा नहीं होता है। तो जो है मोटोरोला का यहाँ पे भी वर्क करने की ज़रूरत है अपने स्मार्टफोनों के अंदर, कैमरे यूआई और कैमरे क्वालिटी पे भी वर्क करने की ज़रूरत है मोटोरोला को। बाकी जो है इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का जो है अल्ट्रा वाइल्ड मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, मतलब आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइल्ड लेंस देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर, जो पिछली बार के स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिला था। उसके बाद आपको 2 मोर लेंस देखने को मिलते हैं स्मार्टफोन के अंदर 2 मेगापिक्सल के, क्या करेंगे उनकी बात करके। और उसी के साथ आपको जो है कैमरा लेंस देखने को मिलता है, और रियर साइड में कैमरोई के हम के नीचे जो है आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर, जो काफ़ी अच्छी बात है। जो और ये स्मार्टफोन जो है फ्लैश रेजिस्टेंट भी देखने को मिलता है, तो आप जो है हल्की फुल्की छींटे बारिश और इन सब से जो है इस स्मार्टफोन को लेके निकल सकते हैं, मगर ज़बरदस्ती ना आप इस स्मार्टफोन को पानी में डालें, जो कि ये ख़राब भी हो सकता है और कंपनी पानी की वारंटी नहीं लेती है। अब इस स्मार्टफोन के जो है बैटरी एमएच की बात करें तो इसके अंदर आपको 6000 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो 20 वाट के चार्जर के साथ आती हैगी। यहाँ पे भी जो है मोटोरोला ने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करी हैगी, बस आपको जो है 20 वाट का चार्जर प्रोवाइड कर दिया गया 60 वाट की 6000 एमएच की बैटरी के साथ, जो कम से कम जो है 3 आवर्स तो लेगा ही लेगा इस स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। तो मैं कहूँगा इस स्मार्टफोन को आप जो है जब भी चार्जिंग पे लगाएं तो नाइट में लगाएं, और डे जो है में जब लगाएं, जब आप जो है कब हल्की फुल्की जब स्लीपिंग पे जा रहे हो और जो है आपके पास थोड़ा टाइम हो, आप इस स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। वरना इस स्मार्टफोन के अंदर 30 वाट की चार्जिंग का तो सपोर्ट दे देना चाहिए था वो मोटोरोला वालों को, कि आदमी मतलब कि कोई ऐसा कंज्यूमर जिसके घर में जो है 30 वाट का चार्जर है तो वो इस स्मार्टफोन को जो है 30 वाट के चार्जर से बाय कर सक मतलब कि चार्ज कर सकता है। यहाँ पे भी ये स्मार्टफोन बस ओके हो जाता है और ज़्यादा एमएच बैटरी तो जो है मैटर नहीं करती हैगी, जैसे ज़्यादा मेगापिक्सल जो है मैटर नहीं करते हैंगे। यहाँ पे दोनों ही चीज़ों पे जो है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का बहुत मैटर होता है। अगर ये चीज़ जो है फ़ोन में से लैग कर रही हैगी तो जो है जितनी ज़्यादा एमएच बैटरी हो और जितने भी ज़्यादा मेगापिक्सल हो कोई भी काम के नहीं रहते। अब इस स्मार्टफोन की खामियों की बात करते हैं तो इस फ़ोन के अंदर आपको ना ही डुअल स्पीकर देखने को मिलते हैं, ना ही फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती हैगी, और इस फ़ोन के अंदर आपको जो है ना ही जो है कोई टाइप के न्यू चेंजेस देखने को मिल जाते हैंगे, जो आप कंसीडर कर सकते हैंगे कहने के लिए कि ये पुराने स्मार्टफोन से जो है बेहतर रहेगा मोटोरोला की तरफ से। मगर मोटोरोला को देखते हुए जैसे वो स्मार्टफोन लॉन्च करता आ रहा है धीरे धीरे टाइम टू टाइम एक एक करके, उस हिसाब से ये स्मार्टफोन आप बाय कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस प्रॉब्लम जो मुझे आएगी कि ये है कि मोटोरोला ने इस बार भी कोई ज़्यादा डिफरेंट चेंज नहीं किए अपने स्मार्टफोन के अंदर। मगर ये स्मार्टफोन बुरा नहीं है, आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, और अगर आपको जो है क्लीन यूआई पसंद आएगा और जो है ज़्यादा एमएच की बैटरी चाहिए हैगी और जो है फास्ट चार्जर नॉर्मल वाला चाहिए है 20 वाट का फास्ट चार्जर है और कैमरे क्वालिटी आपको बस ओके ही चाहिए हैगी तो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैंगे। बाकी मेरा नाम था समीर, आप लोग देख रहे थे एंड्रॉयड गेट, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।